से प्रोटेस्ट किया है, खास तौर पर किस प्रकार की ये लड़ाई है, लगातार चल रही है? ये गरीब परिवारों के हक की लड़ाई है और 9 दिन से गरीब परिवार अपना काम धंधा छोड़कर, दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर लगातार नंबर वाइज जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए है। और कुंभकर्ण जो है, प्रशासन जो है, सरकार जो है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आज प्रशासन सरकार को कुंभकर्ण की नींद से उठाने के लिए आज हमने यहाँ पे उसका पुतला बनाया और चारपाई पर लेटाकर लघु सचिवालय गेट के सामने ढोल नगाड़े बजाकर उठाने का प्रयास किया है। ये गरीब परिवारों के हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, इनके साथ अन्याय ना हो। लगातार 14 वर्षों से ग्रामीण अपना हक पाने के लिए संघर्ष है, लेकिन सरकार और प्रशासन जानबूझकर इनके साथ विश्वासघात कर रही है, इनका हक मारने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हम अपना हक पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सरकार से, प्रशासन से हमारी मांग है, जल्द से जल्द गरीब परिवारों के साथ न्याय करें। एक तरफ सरकार कहती है हम गरीबों के साथ है, लेकिन आप देखिए जो फैमिली आईडी है उसमें किस तरह की त्रुटियां दिखाई गई है। कई कई लाख रुपए उनकी इनकम दिखा दी, जो कोई भी काम धंधा नहीं करता। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर विश्व गरीब परिवारों के साथ धोखा है। और तीसरा, जुआ गांव के जो गरीब ग्रामीण है उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, कब्जा कार्रवाई करनी है, लेकिन कब्जा कार्रवाई करने में पता नहीं क्या कारण है सरकार व प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आज यही प्रयास हमारा, सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हम ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट किया है, खास तौर पर किस प्रकार की ये लड़ाई है, लगातार चल रही है? ये गरीब परिवारों के हक की लड़ाई है और 9 दिन से गरीब परिवार अपना काम धंधा छोड़कर, दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर लगातार नंबर वाइज जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए है। और कुंभकर्ण जो है, प्रशासन जो है, सरकार जो है, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आज प्रशासन सरकार को कुंभकर्ण की नींद से उठाने के लिए आज हमने यहाँ पे उसका पुतला बनाया और चारपाई पर लेटाकर लघु सचिवालय गेट के सामने ढोल नगाड़े बजाकर उठाने का प्रयास किया है। ये गरीब परिवारों के हक की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, इनके साथ अन्याय ना हो। लगातार 14 वर्षों से ग्रामीण अपना हक पाने के लिए संघर्ष है, लेकिन सरकार और प्रशासन जानबूझकर इनके साथ विश्वासघात कर रही है, इनका हक मारने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हम अपना हक पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सरकार से, प्रशासन से हमारी मांग है, जल्द से जल्द गरीब परिवारों के साथ न्याय करें। एक तरफ सरकार कहती है हम गरीबों के साथ है, लेकिन आप देखिए जो फैमिली आईडी है उसमें किस तरह की त्रुटियां दिखाई गई है। कई कई लाख रुपए उनकी इनकम दिखा दी, जो कोई भी काम धंधा नहीं करता। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर विश्व गरीब परिवारों के साथ धोखा है। और तीसरा, जुआ गांव के जो गरीब ग्रामीण है उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। प्लाटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, कब्जा कार्रवाई करनी है, लेकिन कब्जा कार्रवाई करने में पता नहीं क्या कारण है सरकार व प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आज यही प्रयास हमारा, सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हम ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं।